आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं सप्रीत सिंह। मैं ज्योत कौर। मैं प्रिंसदीप सिंह जी। आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं उस स्थान को घूमने जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री संग्रहालय या ओल्ड पीएम हाउस। यहाँ पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी का लास्ट का लिविंग रूम, स्टडी रूम है, वो हम देखेंगे। प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रात में यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प लाइट एंड साउंड शो होता है, हम उसे भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के एंड तक। आइए प्रधानमंत्री संग्रहालय को विजिट करते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं हेलीकॉप्टर राइड का सफ़र, जो कि यहाँ की सबसे अच्छी और बहुत ही सुंदर राइड है। आइए उसे करते हैं। आइए अब हम बैठते हैं अपनी सीट्स पर और अपना हेलीकॉप्टर राइड का सफ़र शुरू करते हैं। स्वागत है देवी और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज अब एक नए भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। Let's go. ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। Thank you.
आर्थिक तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है जो तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। अपने वादे अनुसार मैंने यहाँ पर अपना विजन 2047 तक के भारत के लिए लिख दिया है। मैंने लिखा है कीप वर्किंग माय इंडिया, जिसका अर्थ मतलब है कि भारत तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और प्रगति करते रहो। आप भी यहाँ पर जब भी आए तो अपना विजन जरूर लिखें। यहाँ पर आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर द्वारा आपके लिए लिखे लेटर पर सिग्नेचर ले सकते हैं। आप गेस करके बताइए कि ये किस प्राइम मिनिस्टर की जो आकृति है वो बनाई हुई है, प्लीज कमेंट कीजिए। आइए अब देखते हैं लाइट एंड साउंड शो। यहाँ पर उसका सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ से आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। समक्ष जो शो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ध्वनि, प्रकाश और दृश्यों का एक कलात्मक संयोजन है। इस शो को प्रभावी बनाने के लिए हमने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस शो का भरपूर आनंद लेंगे। आपसे निवेदन है कि शो के दौरान अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखें या फिर स्विच ऑफ कर दें। धन्यवाद। आज इस खुले सितारों भरे आसमान के तले हम सुनाएंगे एक उड़ान की कहानी, एक निर्माण की कहानी। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक हमारा देश भारत जो अनुभव और प्रेरणा से भरी एक सतत प्रवाहित धारा है, और दूसरी नव्या जो भारत का कल है, एक उत्सुक चंचल और जिज्ञासा से भरी देश की बेटी जो कुछ नया जानना चाहती है।
आज हम अपने गौरवशाली अतीत के विषय में जानेंगे और अपने उज्जवल भविष्य पर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। प्रस्तुत है नव्या की उड़ान, भारत का निर्माण। चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। कैसे कैसे और बताइए ना। नविया, तुम्हें पता है हम भारतीयों को कई शताब्दियों पहले से ही अंतरिक्ष की गहराई का ज्ञान था। शताब्दियों पहले मतलब? 5वीं शताब्दी की बात है, जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है। और गिरती नहीं? नहीं नव्या, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमी। मध्ये सामंत दस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति विभ्राणाः परमं शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिकम्। इसका मतलब? अब मैं तुम्हें समझाऊं तो कब हम आजाद हुए तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था, हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इनको स्पार
का जन्म हुआ? इनको स्पार सेट 1A, 1B, 1C और 1D का सफल प्रमोशन हुआ और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। मंगल तक पहुंचने वाला मैं दुनिया का चौथा देश था। और नव्या, अब तो हम सूरज तक पहुंचने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के जरिए। तुम ही लहराओगी अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा और भी ऊंचा। स्वप्न करोड़ों जाग उठे, थी आशा जिसकी हर मन को, नए सूर्य का उदय हुआ और धूप मिली हर आंगन को। हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय को विजिट कर लिया है, लाइट एंड साउंड शो भी देख लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप दिल्ली के और प्लेसेस जैसे कि लोटस टेम्पल, क्राफ्ट म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, लाल किला या और कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को घूमना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे एक नई प्लेस पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।